शिट गाइस, अब वीडियो तो करेंगे। मुझे फर्स्ट टाइम सेलिब्रिटी दिखा और मुझे इतना ऐसा नहीं हो बगिंदा का क्या दुबुश खलीफा उड़े उसका हां मुझे ऐसे सिर्फ हम दोनों को दिखा बुर्ज खलीफा और इस बार का लोकेशन है दुबई और हमारी सुबह साढ़े 8 की फ्लाइट है। सुबह सुबह हम आ चुके हैं, घर से 4 बजे निकले, तो यार फटाफट अभी अंदर जाते चेक इन कर लेते और फिर आपको मिलती हूँ मैं। बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ हमारा है जो एल में है दुबई के लिए, और यहाँ पे ए बी सी डी ई इस तरह से सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ अभी हम चेक इन कर लेते हैं पहले और फ्री हो जाते हैं। मी एल में जाना है, हमें दूर है थोड़ा, हम ए में खड़े हैं। तो यहाँ चेक इन स्टार्ट भी हो चुका है, लिखा हुआ था जैसे कि आपने देखा। पहले बोर्डिंग पास ले लेते हैं और फिर आगे का आपको बताऊंगी मैं। चलो एल पे, और यहाँ पे दुबई के लिए भीड़ रहती है हमेशा, तो थोड़ा जल्दी आने का कोशिश करो। हम लगभग 3 घंटे पहले पहुँच गए, तो आराम से हो जाएगा। थोड़ी सी भीड़ है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। आता लगे पुढ़े दुबई लगे अपने पता नहीं इनका क्या था, हमें रास्ते में वीजा और पासपोर्ट। मैंने पूछा कि ऐसे बीच में क्यों पूछ रहे हो, बोल रहे हैं वो लोग कि काउंटर बंद कर दिया अभी वीजा के लिए वगैरह, तो यहीं से पूछेंगे। और फिर कुछ इंडिगो का हमारा जो एयरलाइन है उसका कुछ टैग लगा दिया, और अभी यहाँ से हम जाएंगे और सिक्योरिटी चेक करेंगे और इमिग्रेशन। तो सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन में कैमरा फोन्स तो अलाउड नहीं है, शूटिंग अलाउड नहीं है, बट यहाँ होने के बाद मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी। शिट गाइस, तो वीडियो तो करेंगे। मुझे फर्स्ट टाइम सेलिब्रिटी दिखा, फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट ला, मेरा फर्स्ट टाइम दिखा एयरपोर्ट। हाँ, और जॉन एवरेन था और मैं इतना मतलब कैमरे में कैप्चर भी नहीं कर पाई, ऐसा हुआ मुझे एकदम शॉक में होगा, मेरे सामने मुझे देख रहा और मुझे इतना ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं एकदम ओह शिट ऐसे कैसे, मेरे को चाहिए था कोई तो मुझे मुझे चाहिए था, मुझे एक सेलिब्रिटी देख रहा था तो मैंने देख लिया, बट रोक तो नहीं सकती। हाँ ठीक है, तो अभी हाँ मैं बोल रही थी, इसलिए वीडियो में बीच में रोक दी मैंने, मैं बोल रही थी कि मैं सिक्योरिटी चेक करूंगी, इमिग्रेशन करूंगी, फिर आपको सारे डिटेल्स जॉन एब्राहम के जगह पे सोच पर और सारे डिटेल्स आपको बाद में दे दूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे भीड़ देखो कितनी है सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। ओके गाइस, हो गया हमारा सिक्योरिटी चेकिंग पास, इमिग्रेशन एंड ऑल, फाइनली फ्री हो गए हम लोग। और स्टार्टिंग में ही बैग लगेज वगैरह उधर ही बहुत टाइम गया, बहुत स्लो थे ये लोग, तो उधर ही हमारा ज़्यादा टाइम गया है। और इमिग्रेशन तो पूछो ही मत, 2 मिनट में फटाफट हो गया, कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने, 2 मिनट में हो गया रेस्ट बोर्डिंग पास लिया, वीज़ा लिया और स्टैम्प मार के रिटर्न, कुछ पूछा नहीं किधर जा रहे हो क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं पूछा। तो अच्छा है, इमिग्रेशन फटाफट हो गया 2 मिनट में, सिर्फ लगेज टाइम पे हमें ज़्यादा टाइम।
Okay. Thank you. मिनट्स पहले बोर्डिंग क्लोज हो जाता है, गेट बंद हो जाता है, तो अब तक हमने कुछ ज़्यादा टाइम बच गया है और 8 बज गए, 8:30 की फ्लाइट है, पहुँच गए हम लोग। ओके, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे और हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और वहाँ पे बहुत टाइम पास हुआ, लेट हुआ। तो बेसिकली इमिग्रेशन में मैंने जैसे कि बताया कुछ भी नहीं पूछा, और वीज़ा लगता है तो वीज़ा आप ऑनलाइन कर सकते हो या फिर बाय एजेंट भी कर सकते हो। तो बाय एजेंट हमने देखा तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, इसलिए बाय एजेंट ही हमने किया है। तो यहाँ और कुछ लगता नहीं, वीज़ा के लिए ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, बस आपको दो ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक तो अपना पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट 6 मंथ वैलिडिटी हो उसका, और या पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड पैन कार्ड, बस इतना ही। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं शर्विल। चलो अभी यहाँ की ना प्रोसेस इतना आली तो ओके, तो यहाँ की प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट है, जरा फटाफट करो यार, इमिग्रेशन है और यहाँ पे मेट्रो का कुछ है, तो वो आपको सारे अपडेट्स में दे दूंगी। दिल्ली से नहीं जाना, दिल्ली नहीं है, दिल्ली नहीं है। तो यार आप मुझे दोनों को दिखा बुर्ज खलीफा, आपको भी दिखा क्योंकि हमारे साइड से ही था, यहाँ पे दिख रहा है कलेक्शन, अनेबल बैगेज सामने भी, उनके पीछे पीछे उधर ही जाना है बस। ओके, तो आते आते हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखो मेट्रो के लिए हम रुके हैं, तो टर्मिनल ये टर्मिनल 1 है दुबई का, हमें अभी नेक्स्ट टर्मिनल पे जाना है। तो यहाँ पे टर्मिनल चेंज करने के लिए हमारे यहाँ पे जैसे बस रहती है, यहाँ पे मेट्रो से, तो यहाँ आएगी, हम रुके हैं, वेट कर रहे हैं आने का मेट्रो, और आएगी जाएंगे फिर टर्मिनल चेंज होगा, वहाँ से बैगेज एंड ऑल इमिग्रेशन उस टर्मिनल से होगा, इस टर्मिनल पे कुछ नहीं है। ओके, आ गई मेट्रो, चिवने मिस केला, तू काढणार होती ना उभी। ओके चलो चला, अच्छा तिकडनं उतरतात रे तिकडनं उतरले आणि इथून चढतात। आता आता आपले उघडतील बघते दरवाजे बंद केले, अरे आपल्याकडे बोर्डिंगला जायला आहे तसंच आहे ना, चला। ओके चलो, यहाँ पे बैठने के लिए भी मिल गया हमें, लगभग 5 से 7 मिनट की जर्नी है, बहुत अच्छा लग रहा है, दिखा दी आपको, स्टार्ट हो गई बैठने की। Oh my god, chicken sakka sorry.
ये जर्नी बेस्ट है, बच्चे होंगे आपके साथ तो तुमको ज्यादा मजा आएगा। तो मैं अपनी बुर्ज खलीफा तो हम आगे 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 हम लोग चलो मजा आ गया ना। ना ना चलो उतर गए, अभी बैगेज कलेक्ट करेंगे हम लोग। इसके पीछे पीछे भागना है बस। यहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस है, पर मैं शूट नहीं कर सकती तो उसके बाद ही आपको दिखाऊंगी। इमिग्रेशन हो गया, कुछ भी नहीं क्वेश्चन पूछा, सिर्फ और वीजा भी नहीं पूछा, सिर्फ इमिग्रेशन में पासपोर्ट देना, वो स्टैंप लगाएंगे, अपना फोटो निकालेंगे, दैट्स इट। इतना ही है इमिग्रेशन में, कुछ भी नहीं है। और इमिग्रेशन होने के बाद थोड़ा आगे जाके फिर से चेकिंग होता है बैग का बस, और उसके बाद बैग लेके अभी जाएंगे। हमारा गाइड आएगा तो देखेंगे, पहले उसको ढूंढेंगे किधर है वो, और फिर उसके साथ जाएंगे होटल में। ठीक है, तो होटल और बाकी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर बाद में देती हूँ, तब तक आप देखते रहना। बाहर निकल के बाद यहाँ पे सब खड़े रहते, अभी नाम देखो अपना और पहचान लो किधर है। हाँ बोलते हैं मैं नाही ते लाल हे खेळून उभे असतात, ऐसे खड़े रहते हैं ये लोग। अभी अपने वाले ढूंढो किधर है। बाप रे आता कुठे शोधणार ग, केवढे आहेत। का फर्स्ट व्ह्यू बाहेर निघाले के बाद असेल आपली गाडी काय माहिती, चला बघूया फर्स्ट व्ह्यू। चलो व्हाईट वाली, चलो बैठते फटाफटा। तो यहाँ पे चेक इन टाइम 2 बजे का है, और अभी हमें आते आते हो गए 12:30, तो 2 बजे के बाद हमें रूम्स मिलेंगे। तब तक हमने पीछे में दिख रहा है वहाँ पे लगेज रूम है, वहाँ पे बैग्स रख दिए है, और अभी कुछ खाने जाएंगे। यहाँ पे है होटल के आजू बाजू में, तो खाने जाएंगे क्योंकि लंच नहीं किया है हमने, भूख भी लगी। इडली फ्राइड में चिकन आइटम सब कुछ लिखा हुआ है, चिकन परोठा खाते हैं। वेट करते करते पक गए हम लोग, आधा घंटा और मतलब 2:30 बजे मिलेगी रूम, और हम ऐसे ही बैठे अभी लॉबी में। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्म हो रहा था, तो फटाफट अंदर आए, खाना थोड़ा बहुत खा लिया, ज़्यादा कुछ नहीं था, तो बर्गर वगैरह ऐसे कुछ ले लिया। चाय भी यहाँ पे 1.5 दिरहम में, मतलब 1.50 दिरहम, कॉफ़ी 3 दिरहम है, क्या मतलब बजट में है, ठीक है। और यहाँ अभी रूम मिलेगी तो जाएंगे अंदर, रूम टूर दिखा देते हो आपको फटाफट, और फिर सो जाऊँगी नहा के आराम करूँगी बस। खुली था माना कुछ दे। रूम है हमारी, रूम मेरी और शर्विल की, ठीक है छोटी है बट ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके
ओके फाइनली रूम में आ चुकी हूँ मैं, बैठ गई तो यहाँ बस यही इजी है यहाँ पे आना। एक्चुअली मुझे सच में मतलब अगर किसी को इंटरनेशनल ट्रिप करनी है, जिसके फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप हो, तो दुबई बेस्ट है डेस्टिनेशन, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ अभी घूमेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि क्या है कैसा है। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है जो मैं बता सकूँ, जो था मैंने बताया। इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप अगर वीज़ा ले रहे हो तो उसकी मोस्टली हार्ड कॉपी लेना, वो बेटर पड़ता है। तो वीज़ा की हार्ड कॉपी, बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट ज़्यादा लगते भी नहीं है, तो अच्छा ओवरऑल। और बस यहाँ पे टाइमिंग का थोड़ा इशू है कि 2 बजे के बाद ही रूम्स मिलते हैं। तो हमने जो फ्लाइट लिया था वो इंडिगो का था, तो रिजनेबल है, आप ले सकते हो, और टाइमिंग भी अच्छा खासा मैच हो रहा है। अगर वो फ्लाइट लिया तो हम 10-12 बजे तक आप बाहर निकल पाते हो एयरपोर्ट से, फिर अपने होटल जो भी आपका होटल होगा उसमें आप जा सकते हो, और फिर हाफ डे आपको सेकेंड हाफ आपको मिलता है प्लेसेस देखने के लिए। तो ये इंडिगो वाली फ़्लाइट मुझे तो ठीक लगी। तो या अभी ये ब्लॉग मैं पेंट करी हूँ, अभी हो जाऊँगी फ्रेश और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, और फिर हमें शाम को निकलना है। शाम को एक साइड सीन होगा, वो क्या होगा वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। ठीक है चलो बाय बाय, ठीक है चलो बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।